मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी, शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से पारित करवाया जाएगा बिल। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले सांसद संजय सिंह, चुनाव में सपा से हाथ मिलाने को तैयार आप, कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने एसपी से गठबंधन का किया ऐलान। यूपी चुनाव से पहले केजरीवाल को फिर याद आए राम, रामलला दर्शन के लिए दिल्ली से अयोध्या रवाना होगी ट्रेन, कहा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में हमने अयोध्या दर्शन को किया शामिल। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का तंज, कहा सरकार को या तो जनता का दुख दूर करना होगा, कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा बताए सरकार, मृतकों के परिजनों को मिले 4 लाख का मुआवजा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पटना में फिर चलाई जीप, कहा वर्षों बाद अपनी गाड़ी को चलाया, नीतीश के परपंच को तोड़ेंगे। विस्तार के बाद गहलोत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज, सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारी को लेकर होगी चर्चा, सीएम गहलोत नए मंत्रियों को बताएंगे सरकार का टास्क। मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला, मंत्री हिमाराम चौधरी, प्रसादी लाल मीणा, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, भजनलाल जाटव ने ग्रहण किया पदभार, ममता भूपेश, रमेश मीणा, भवर सिंह भाटी, विजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा ने भी संभाला कार्यभार। कोरोना की दूसरी डोज के लिए होगी सख्ती, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान, कहा अभी 53% लोगों को लगी दूसरी डोज, फील्ड में तैनात अफसरों को दिया जाएगा टारगेट। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल कारोबारी के घर बड़ी लूट, परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लिए गए बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई वारदात। पाली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जैतारण पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी 40,000 की घूस लेते ट्रैप, पट्टा जारी करने की एवज में मांगी थी रिश्वत।